हाय बच्चों, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लिटिल टाइगर बिग टाइगर, अच्छी कहानी थी। तो कहानी का मतलब ये था बेटा कि वो जो छोटा बच्चा था टाइगर, जब बेबी था तो उसकी आवाज से कोई नहीं डरा, है ना। और जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ के जैसी उसकी बड़ी भारी आवाज निकली, है ना। और दूसरा, जब उसने अपनी मम्मा को छोड़ा तो उसको तकलीफ हुई ना, वो गुम गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और समय आने पे हमें वो सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए, ठीक है। ये इस कहानी का मॉरल है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, लिसन टू योर पेरेंट्स। अब इस कहानी में कुछ शब्द हैं जो अभी तक हमने सीखे नहीं, हमें आते नहीं। आइए देखें कौन से शब्द हैं। वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहला वर्ड है शेडी। शेडी का मतलब होता है छायादार, SHADY, शेडी, छायादार। शेड होता है ना बेटा, हम बोलते हैं शेड डाल दो, शेड, SHADY, शेड। शेड का मतलब होता है छाया, शेडी मीन्स छायादार। नेक्स्ट वर्ड बेलोड, BELLOWED, बेलोड, BELLOWED, बेलोड का अर्थ झुका हुआ। थर्ड वर्ड ट्विच्ड। बेटा नए शब्द हैं इसलिए दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे, ठीक है। ट्विच्ड, TWITCHED, ट्विच्ड। मेरे साथ बोलो ट्विच्ड। इसका अर्थ होता है झटके से खींचना या झपटना, किसी से झपट के कोई चीज लेना या किसी को झटके से खींचना, ट्विच्ड। नेक्स्ट पाउंस्ड, PUNCED, पाउंस्ड, PUNCED, पाउंस्ट का अर्थ होता है झपटना या झपटा मारना, PUNCED, पाउंस्ट, झपटना। नेक्स्ट ग्रंट, GRUNT। बेटा ये एक तरह की आवाज होती है जो बाघ जब बोलना शुरू करता है ना, ऐसे आवाज है, जो उस आवाज को बोलते हैं ग्रंट। उसका अर्थ होता है घुर घुर, जो बाघ की आवाज होती है गर्जन से पहले उसको बोलते हैं ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। नेक्स्ट वर्ड गेम, GAME, गेम। गेम का अर्थ आपको क्या पता है, क्या होता है बेटा, खेल, है ना। लेकिन यहां पे इस कहानी में गेम का अर्थ क्या है, शिकार। गेम शिकार, याद रखना है इसको, गेम, GAME, गेम, शिकार। नेक्स्ट वर्ड ग्लिसंड, मेरे साथ बोलो ग्लिसंड, GLISTENED। कैसे याद करेंगे इसको, GLISTENED, ग्लिसंट, चमकता हुआ। शेर की आंखों में चमक थी तो ये वर्ड उसकी बाघ की आंखों के लिए यूज किया गया कहानी में। नेक्स्ट रोअर्ड। रोअर्ड का मतलब क्या होता है, सबको पता है, गरजना। जो लायन या टाइगर जो आवाज निकालते हैं मुंह खोल के जोर से, उसको बोलते हैं गरजना, रोअर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड पेजेंट। आप इसको पीजेंट पढ़ सकते हो, PHESANT। क्या वर्ड है पेजेंट, PHESANT, हिंदी तीतर, एक पक्षी होता है बेटा, ठीक है। अगर आपको फोन पे चेक करने का मौका मिले तो फोटो देख सकते हो इसकी, तीतर।
नेक्स्ट वर्ड फाउल, फाउल का अर्थ मुर्गा, FOWL, मुर्गा, ये वर्ड जंगली मुर्गा होता है जिसको फाउल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कब, CUB, कब, कब का अर्थ पशु शावक, शावक का मतलब क्या होता है बच्चा, पशु क्या होता है जानवर, तो किसी भी जानवर के छोटे से बच्चे को बोलते हैं पशु शावक या पशु का बच्चा, उसको हम कब बोलते हैं। तो इस कहानी में कब कौन था, लिटिल टाइगर वॉज द कब। चलिए बेटा एक बार फिर से ये वर्ड हम रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलो सब बच्चे, शेडी छायादार, बेलोड झुका हुआ, ट्विच्ड ट्विच्ड झटके से खींचना, पाउंस्ड पाउंस्ड झपटना, ग्रंट घुर घुर की आवाज, गेम शिकार, ग्लिसंड चमकता हुआ, रोड गरजना, पीजेंट तीतर, फॉल या फाउल मुर्गा, कब पशु शावक या पशु का बच्चा। ये सारे शब्द अर्थ पढ़ो सीखो समझो उसके बाद अपनी कॉपी में उतारो, वो होमवर्क है। लिखने का होमवर्क सबसे बाद में किया करो, आप सब बच्चे लिखने का काम सबसे पहले करने लग जाते हो। पहले समझो वीडियो को 3 से 4 बार, शब्दों को बार बार सुनो और बोलो मेरे पीछे पीछे, उसके बाद जब आपको याद हो जाए अपनी कॉपी में लिखो और घर में किसी को सुनाओ या खुद ही याद करते रहो। ओके, ये वर्ड्स अच्छे से याद करना, थोड़े से कठिन शब्द हैं, बार बार पढ़ने से आएंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।